आजकल लोग के-पॉप से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। लोग आज के-पॉप स्टार को आइडल मानते हैं, लेकिन इन के-पॉप स्टार की सच्चाई कुछ और ही है। के-पॉप की शुरुआत 90s में हुई थी, लेकिन उस टाइम पे उसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है, तब से के-पॉप की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ने लगी और इतनी ज्यादा बढ़ने लगी है कि आज पूरे वर्ल्ड में के-पॉप के 200 मिलियन से ज्यादा फैंस हैं। लोग के-पॉप के इतने बड़े फैन हो गए कि खुद उनके जैसे बनना चाहते हैं। किसी को भी अगर के-पॉप स्टार बनना है तो उसको सबसे पहले के-पॉप एजेंसी को ज्वाइन करना होगा और उसके साथ एग्रीमेंट साइन करना होगा, और उनको ट्रेन होने में जो एक्सपेंस होगा उस टाइम पे तो वो एक्सपेंस एजेंसी करेगी, लेकिन के-पॉप स्टार के डेब्यू के बाद वो जो अर्निंग करेंगे उसमें से सबसे पहले ट्रेनिंग के पैसे काट दिए जाएंगे। और एक बार इसे साइन करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ता है तो उसे सारी पेनल्टी चुकानी पड़ती है और उस स्टार की रेपुटेशन भी खराब होती है। के-पॉप से अट्रैक्ट होने का सबसे पहला रीजन है फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन उनका फिजिकल अपीयरेंस अनरियलिस्टिक होता है क्योंकि मोस्टली के-पॉप स्टार्स अपने फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक्स का सहारा लेते हैं, और उनकी एजेंसी भी उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए प्रमोट करती है। और साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी एक नॉर्मल चीज, और इसीलिए साउथ कोरिया को वर्ल्ड का प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक सर्जरी में साउथ कोरिया का 25% मार्केट शेयर है। साउथ कोरिया में एडल्ट्स को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज अ गिफ्ट प्लास्टिक सर्जरी के लिए फंड मिलता है। अगर आपको साउथ कोरिया में जॉब चाहिए तो आपका गुड लुकिंग दिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोरिया में 10 में से 6 एचआर मैनेजर का मानना है कि कैंडिडेट का गुड लुकिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने एम किया है कि 2027 तक साउथ कोरिया में 7 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी टूरिस्ट आएंगे। अगर आप साउथ कोरिया में जाओगे तो आपको सभी जगह प्लास्टिक सर्जरी की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। के-पॉप में डेब्यू करने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं। के-पॉप स्टार को ज्यादातर वक्त उनकी एजेंसी की नजरों में रहना पड़ता है और फोन के यूज पर भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होता है। एक्स के-पॉप स्टार चू, जो लूना ग्रुप का हिस्सा थी, उसका कहना है कि उन्हें सिर्फ दिन में 30 मिनट के लिए बाहर जाने को मिलता था और कई घंटों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। प्रिंस मैक का कहना है कि उन्हें दिन में 3 से 4 घंटे ही सोने को मिलता था। मोस्टली के-पॉप स्टार की बॉडी स्लिम होती है, इसके पीछे का रीजन उनकी एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट डाइट है। के-पॉप स्टार को हमेशा अपना वेट कम रखने को कहा जाता है, इसलिए हर वीक उनका वेट चेक किया जाता है। मोमो, जो ट्वाइस ग्रुप का हिस्सा थी, उसका कहना है कि उसे एक शो के लिए एक वीक में 7 किलो वेट लॉस करना था, इसीलिए उसे पूरे वीक सिर्फ आइस क्यूब खाकर काम चलाना पड़ा। के-पॉप के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन साउथ कोरियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी। साउथ कोरियन गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अपने कल्चर को दूसरी कंट्री में फैला रही है, जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। कोरिया 2018 में ग्लोबल कल्चर इन्फ्लुएंस में 20th रैंक पर था, लेकिन आज वो 7th रैंक पर। अगर साउथ कोरियन गवर्नमेंट अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन इन के-पॉप स्टार के साथ बैडली बिहेव करना गलत बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के-पॉप एजेंसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रही है, बल्कि उन्हें और बढ़ावा दे रही है। तो ये थी पूरी के-पॉप की सच्चाई।